टीकाकरण कर्मसूची शुरू हुए थे। हमारे राज्य गत 16 जनवरी कोविड 19 टीकाकरण कर्मसूची शुरू हुए थे। टीकाकरण क्षेत्र केंद्रीय सरकार जो सुनिर्दिष्ट गाइडलाइन रही है ता यथाथ भावे अनुसरण करे कोविशील्ड टीका सुविधाभोगी देवा हे सप्ताह 4 दिन यथाक्रमे सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार शुक्रवार टीका राज्य विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रे देवा हे 16 जनवरी 2021 থেকে 19 জানুয়ারি 2021 इन पर्यंत राज्य कोविड 19 टीकाकरण लक्ष्यमात्रा 7,829 जन एर मध्य 4,269 जन सुविधाभोगी टीका देवा हुए थे। अर्थात एखनो पर्यंत राज्य टीकाकरण गड़ हार 54.53%। 16 জানুয়ারি 2021 इंग्रजी থেকে 19 জানুয়ারি 2021 इंग्रजी পর্যন্ত রাজ্যে 99টি টিকাকরণ কেন্দ্রে টিকা দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার গোটা রাজ্যে 49টি টিকাকরণ কেন্দ্রে আজ টিকা দেওয়া হয়েছে। এদিন গোটা রাজ্যে টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল 3,688 জন, এর মধ্যে টিকা নিয়েছেন 1,998 জন। 19 জানুয়ারি 2021 ইংরাজি তারিখে রাজ্যে টিকাকরণের গড় হার 54.18%। আজ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকরাও কোভিশিল্ড টিকা নিয়েছেন। মঙ্গলবার টিকা দেওয়া হয়েছে এনএইচএম এর মিশন ডিরেক্টর যিনি আমার পাশে রয়েছেন ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়ালকে, জিবি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডক্টর তপন মজুমদার, জিবি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডক্টর দেবাশিস রায়, জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর শঙ্কর চক্রবর্তী, এনসিডির স্টেট নোডাল অফিসার ডক্টর সুপ্রিয় মল্লিক প্রমুখকে। আগামী দিনেও এই টিকাকরণ রাজ্যে চলবে, তার জন্য আমরা সব অংশের মানুষের সহযোগিতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। 45,000 का टारगेट लिया है और अभी हम लोगों ने 4,200 किया है, तो अभी तो शुरुआत है कैंपेन का, ये लंबा चलने वाला है। हम लोगों ने पहले से एक्सपेक्ट किया था कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लंबा चलेगा, तो अभी हम लोगों ने लगभग 9 से 10% का कवर किया है, तो उस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इसको करेंगे। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन जो टारगेट लिया था तो फुलफिल नहीं हुआ, किस लिए नहीं हो रहा है? कि इसमें देखिए कई कारण है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोगों में वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी है। जो बाहर के देशों में जो खबर आ रही है या फिर बाहर के राज्यों में जो खबर आ रही है उसको लेकर थोड़ा सा लोगों में अभी भी डर है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे स्टेट में अभी तक 4,200 लोगों में से एक में भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं मिला है, ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि एप्लीकेशन, आप लोगों को पता होगा वैक्सीनेशन में, ये वैक्सीनेशन कैंपेन सभी कुछ एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, तो एप्लीकेशन में कुछ कुछ बदलाव डेली बेसिस पे हो रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग समय रहते हुए SMS नहीं जा पा रहा है बेनिफिशियरी को, तो ये कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ रहा है। इस चीज़ को लेकर आज चर्चा हुई है स्टेट लेवल पर और हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि SMS के भरोसे ना रहकर SMS के साथ साथ हम लोग फोन कॉल्स, सभी डिस्ट्रिक्ट में कॉल सेंटर के लिए आज बात की गई है, कॉल सेंटर जाएगा और जितने लोग बेनिफिशियरी रहेंगे SMS के साथ साथ उनको इंडिविजुअली फोन करके बताया जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन इस जगह पर रखा गया है, इस तारीख में और इस समय आप पहुंच जाइए। कम्युनिकेशन गैप भी थोड़ा बहुत नजर आ रहा है चूंकि ये हमारा इम्यूनाइजेशन का शुरुआत है। फिर कुछ कुछ ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें वैक्सीन नहीं लिया जाना चाहिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स, उसी प्रकार से जिसमें जिसको थोड़ा बुखार है उनको भी अभी नहीं देने का डायरेक्शन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं जहां पे उनको उनकी बीमारी की वजह से या फिर गर्भवती अवस्था के होने के नाते
ये नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हेजिटेंसी है, उसको उसको दूर करना जरूरी है। और उस इसी कारण से हम लोग ये हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ दफ्तर की तरफ से हम सभी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये वैक्सीन, ये टीका जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। आप सभी लोगों को नमस्कार। आज कोविड 19 वैक्सीनेशन का तीसरा दिन था और आज का हमारा पूरे स्टेट में टारगेट था 3688, जिसमें से हम लोगों ने 1988 लोगों को वैक्सीनेट किया है, 54%। इसी प्रकार से पहले दिन में हम लोगों ने 63% लोगों को वैक्सीनेट किया था, जो हमारा टारगेट था, और दूसरे दिन हमने 50% लोगों को वैक्सीनेट किया था। तो इस प्रकार से सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सेशन साइट्स बनाए गए हैं और वहाँ पे वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलता है। अभी फिलहाल हमारे 49 सेशन साइट्स हैं। हम हफ्ते में 4 दिन वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और इस बीच में भारत सरकार से कम्युनिकेशन मिला है कि जो बचे हुए 45% लोग थे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके लिए भी वैक्सीन आ गई है, कोविशील्ड वैक्सीन आई है। तो अभी हम लोग 100% हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन फर्स्ट फेज में टारगेट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे गुरुत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अभी तक हम लोगों ने 4269 लोगों को वैक्सीनेट किया है और एक भी केस साइड इफेक्ट का नहीं मिला है हमें, एक भी AEFI जिसको बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, एक भी केस हमें नहीं मिला है। सबसे ज़रूरी बात यह है, आप लोग के माध्यम से मैं ये सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज जैसे कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के DHS साहब ने बताया, आज स्टेट के काफ़ी बड़े डॉक्टर्स और काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर्स, बोथ फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक फैसिलिटीज़, उन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। हमारे GB अस्पताल के डॉक्टर तपन मजूमदार, जो कि शुरू से ही कोविड की लड़ाई में आगे रहे हैं, उसके बाद GB अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, सीनियर डॉक्टर डॉक्टर सुप्रिया मलिक, साथ ही साथ में ILS के कुछ प्रोमिनेंट स्पेशलिस्ट, इन लोगों ने ये आगे आकर ये वैक्सीनेशन लिया है और किसी में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा, या त्रिपुरा राज्य के पब्लिक से, आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, खासकर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनको हम लोग फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कि किसी भी प्रकार के र्यूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन को के ऊपर ध्यान न दें और बिना किसी वेरिफिकेशन के इस टाइप के मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड ना करें। ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और इम्यूनोजेनिक भी है। फर्स्ट फेज में अभी तक कितने लोगों को दिया गया है और कितना टारगेट कितना था और अभी तक कितना कंप्लीट हुआ? देखिए, टारगेट हमारा फर्स्ट फेज में 45,000 के आसपास फिगर्स अचीव करना होगा। अभी तक हम लोगों ने 4269 लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन दे दिया है। आज सुबह सभी DM एंड कलेक्टर्स, जो कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत हुई है और इस कैंपेन को तेजी देने के लिए और जो लोकल लेवल पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको डील करने के लिए बात हमारे चीफ सेक्रेटरी ने सभी DMs को बताया है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो हमारा परसेंटेज है वैक्सीनेशन का, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा।